हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी को विराम नहीं लग पाया है। ताजा मामले में सांसद कुमारी सेलजा और प्रदेशाध्यक्ष में तूतू मैं और झड़प जैसी स्थिति देखने को मिली। नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य प्रभारियों की मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शैलजा और प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के बीच भयंकर बहसबाजी हो गई। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक मंगलवार को हुई। इस मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद थे। इस दौरान मीटिंग के दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान और वरिष्ठ महासचिव कुमारी सेलजा के बीच तूतू मैं और झड़प देखने को मिली। सांसद सेलजा ने अध्यक्ष उदयभान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। बैठक में सेलजा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्य में होने वाली बैठकों में सिर्फ एक पक्ष हुड्डा के लोगों को बुलाते हैं और तरजीह देते हैं। इस पर उदयभान ने कहा कि हम तो सभी को बुलाते हैं लेकिन आप आती ही नहीं हैं। दोनों में बहस के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप किया और अलग से मीटिंग की बात कहते हुए जैसे तैसे मामला शांत किया। बैठक के बाद प्रभारी दीपक बावरिया से वेणुगोपाल ने कहा कि दूसरे पक्ष की शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए और जल्द सामंजस्य स्थापित कर उन्हें रिपोर्ट दे। गौरतलब है कि जुलाई महीने में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पद यात्रा निकाली थी। इस पद यात्रा में कुमारी सेलजा शामिल नहीं हुई थी जबकि प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने शिरकत की थी। उसके बाद 27 जुलाई से सेलजा ने अलग से पद यात्रा निकाली थी। अब रणदीप सुरजेवाला पद यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस हरियाणा में गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 24 घंटे के भीतर जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्य मंत्री एवं उकलाना के विधायक अनूप धानक ने चुनाव की घोषणा होते ही शुक्रवार को जजपा छोड़ दी थी, जबकि शनिवार को पूर्व पंचायत मंत्री एवं टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद के विधायक रामकरण काला और गुहला चीका के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह ने जजपा से इस्तीफा दे दिया। जजपा पूरी तरह से हाशिए पर आ गई है। जजपा में अब दुष्यंत चौटाला तथा उनकी माता नैना चौटाला के अलावा विधायक अमरजीत ढांडा और विधायक राजकुमार गौतम बचे हैं। वे पहले ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल से मिले भी थे लेकिन खुलकर अभी किसी पार्टी में नहीं गए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मच गई थी। जजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई नेताओं ने जजपा को अलविदा कह दिया था। अब यही स्थिति विधानसभा चुनाव से पहले बन गई है। जजपा के 10 विधायक थे जिनके सहारे भाजपा ने राज्य में 4.5 साल तक सरकार चलाई। यह विधायक वे थे जिन्हें साल 2019 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टियों के टिकट नहीं दिए थे और उनकी गिनती बागियों में की जाती थी, लेकिन तब जजपा ने इन नेताओं को टिकट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया था। बीती 12 मार्च को भाजपा व जजपा का गठबंधन टूट गया था जिसके बाद से जजपा लगातार बिखराव की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।